सब्सक्राइब कीजिए यूथ ग्लोबल नेटवर्क को और हमारा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। महात्मा गांधी अमर रहे। चंपारण के पावन पवित्र धरती पर देश के कोना कोना से आए सभी स्नेही असम्मानित लोग के हम प्रणाम करत बने। रउआ सभी जान रहा बानी की चंपारण के यही पावन धरती से बापू सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत कही। अंग्रेजन का गुलामी से मुक्ति खातिर एगो मजबूत अहिंसक हथियार सत्याग्रह का रूप में हमने के मिले। सत्याग्रह सौ बरिस मिथिला का बादो कारगर बा आप दोनों समय में कारगर रही। सत्याग्रह से स्वच्छाग्रह आज के समय के मांगावा। चंपारण सत्याग्रह के समय चंपारण के परहलवा लखन सेन से महात्मा गांधी स्वच्छता अभियान के शुरुआत कैले। आज हम सत्याग्रह से स्वच्छाग्रह का माध्यम से बापू के स्वच्छता अभियान के आगे बढ़ावत रउआ समन के सोझा बानी। बिहार के राज्यपाल श्रीमान सतपाल मलिक जी, यहाँ के जनप्रिय मुख्यमंत्री श्रीमान नीतीश कुमार जी, मंत्री परिषद के मेरे सहयोगी रविशंकर प्रसाद जी, रामकृपाल यादव जी, श्री एस एस अहलुवालिया जी, श्री अश्विनी कुमार चौबे जी, बिहार के उप मुख्यमंत्री श्रीमान सुशील कुमार मोदी जी, राज्य मंत्रिमंडल से श्री सवन कुमार जी, श्री विनोद नारायण झा जी, श्री प्रमोद कुमार जी और यहां उपस्थित हजारों सत्याग्रही और वीडियो कॉन्फ्रेंस द्वारा इस कार्यक्रम से जुड़े सभी साथी देवी और सज्जनों, जो लोग कहते हैं कि इतिहास खुद को दोहराता नहीं है वो यहां आकर देख सकते हैं कि कैसे 100 वर्ष पहले का इतिहास आज फिर साक्षात हमारे सामने मौजूद है। एक प्रकार से मेरे सामने वो स्वच्छाग्रही बैठे हैं जिनके भीतर गांधी के विचार का, गांधी के आचार का, गांधी के आदर्श का अंश जीवित है। मैं ऐसे सभी स्वच्छाग्रहियों के भीतर विराजमान महात्मा गांधी के अंश को, उस अंश को शत शत प्रणाम करता। चंपारण की पवित्र भूमि पर जन आंदोलन की ऐसी ही तस्वीर 100 वर्ष पहले दुनिया ने देखी और आज एक बार फिर दुनिया इस दृश्य को देख करके पूज्य बापू का पुण्य स्मरण पुनः एक बार कर रही है। 100 वर्ष पूर्व चंपारण में देश भर के लोग आए थे,
नेतृत्व में गली गली जाकर काम किया। 100 वर्ष बाद इस प्रदर्शनी में नई टेक्निक, नए उद्यमों के बारे में विस्तार से समझाया गया है। मैं चंपारण सत्याग्रह के 100 वर्ष पूरे होने पर जो कार्यक्रम हो रहे थे उनके समापन का भी ये समय है, लेकिन समापन से ज्यादा ये शुरुआत है स्वच्छता के प्रति हमारे आग्रह को और ज्यादा बढ़ाने की। भाई और बहनों, पिछले 100 वर्ष में भारत की 3 बहुत बड़ी कसौटियों के समय यही बिहार है जिसने देश को रास्ता दिखाया है। जब देश गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था तो बिहार ने मोहनलाल करमचंद गांधी जी को महात्मा बना दिया, बापू बना दिया। स्वतंत्रता के बाद जब करोड़ों किसानों के सामने भूमि हिंसा का संकट आया तो विनोबा जी ने उदान आंदोलन शुरू किया था, और तीसरी बार जब देश के लोकतंत्र पर संकट आया तो इसी धरती के नायक बाबू जयप्रकाश जी उठ खड़े हुए और लोकतंत्र को बचा लिया। मुझे बहुत गर्व है कि सत्याग्रह से स्वच्छाग्रह सबकी ये यात्रा में बिहार के लोगों ने एक बार फिर अपने नेतृत्व क्षमता को प्रस्थापित किया है, दिखाया है। मुझे पता है कुछ लोग सवाल कर सकते हैं कि स्वच्छता के मामले में बिहार की स्थिति को देखने के बाद, उसके बावजूद भी ये मोदी जी ऐसी बात क्यों कर रहा है। इसके पीछे एक वजह है, नीतीश जी और सुशील मोदी जी के नेतृत्व में बिहार ने जो राज्य का हौसला बुलंद कर दिया। साथियों, देश में बिहार ही एकमात्र ऐसा राज्य था जहां स्वच्छता का दायरा 50% से भी कम था, लेकिन मुझे आज हमारे सचिव श्रीमान परमेश्वर जी ने बताया कि 1 हफ्ते के स्वच्छाग्रह अभियान के बाद बिहार ने इस बैरियर को तोड़ दिया है। पिछले 1 हफ्ते में बिहार में 8,50,000 से ज्यादा शौचालय बनाने का निर्माण कार्य पूर्ण कर दिया है। ये गति और प्रगति कम नहीं है, ये आंकड़े साबित करते हैं कि बिहार बहुत ही जल्द स्वच्छता का दायरा बढ़ाकर राष्ट्रीय औसत की बराबर करने में सफल हो जाएगा। मैं बिहार के लोगों को, प्रत्येक स्वच्छाग्रही को और राज्य सरकार को इस भगीरथ प्रयास के लिए, इस इनिशिएटिव के लिए, इस नेतृत्व के लिए हृदय पूर्वक बहुत बहुत बधाई देता हूं। सब्सक्राइब कीजिए यूथ ग्लोबल नेटवर्क को और हमारा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए।